दोस्तों YouTube पर जब कोई नया क्रिएटर आता है अपना चैनल बनाता है तो कुछ दिनों तक तो उसको पता होता है कि उसे अपने चैनल पर किस कैटेगरी से रिलेटेड या अपने कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस कैसे बनाने हैं, उसको पता भी रहता है कि वो किस टॉपिक पर वीडियोस बना रहा है। लेकिन कुछ दिनों तक तो वो वीडियो बना लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो उसे समस्या आती है वो आती है टॉपिक फाइंड करने में। उसको दोस्तों ये नहीं पता होता कि उसको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड टॉपिक्स कहाँ फाइंड करने हैं, कहाँ से टॉपिक्स निकालने हैं ताकि वे जो वीडियो बनाए उससे उनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको कुछ फायदा मिल सके। दोस्तों अगर आपके सब्सक्राइबर को आपके वीडियोस देखकर कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है या फायदा मिलता है तभी वो आपके वीडियोस को देखेंगे और आपके परमानेंटली एक्टिव सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको परफेक्ट टॉपिक्स फाइंड करना क्यों जरूरी होता है अपनी कैटेगरी से रिलेटेड। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आप टॉपिक फाइंड करने से अच्छा अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सब्सक्राइबर की समस्याओं को दूर करें। सब्सक्राइबर से आप एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो में पूछे कि सब्सक्राइबर आपका क्या वीडियो देखना पसंद कर रहा है या किस चीज की उसको जरूरत है। अपने दोस्तों सब्सक्राइबर से कॉन्टेक्ट में रहें और उनकी समस्याओं को पूछे और समस्या पूछने के बाद उसी टॉपिक पर आप वीडियोस बना सकते हैं। दोस्तों इससे भी आपको टॉपिक्स फाइंड करने में बहुत आसानी होगी और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको टॉपिक कहां से फाइंड करने हैं तो दोस्तों गूगल सर्च पर जाकर आप गूगल ट्रेंड से अपनी कैटेगरी से रिलेटेड टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं या फिर आप यूट्यूब में जाकर उसके सर्च बार में जाकर सर्च करके देख सकते हैं कि क्या कोई सा भी आप टॉपिक उस पर फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करने के बाद आप देख सकते हैं किस टॉपिक्स का एंगेज वीडियो में ज्यादा आ रहा है या किस टॉपिक को वे व्यूअर्स देखना पसंद कर रहे हैं। ये फिर आप कर सकते हैं जो आपके कैटेगरी से रिलेटेड बड़े यूट्यूबर्स हैं आप वहां पर जाएं, उनके कमेंट सेक्शन में जाएं और उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो उनसे किस टॉपिक्स पर वीडियो बनवाने के लिए बोल रहे हैं या उनके जो सब्सक्राइबर उनको किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है वहां से आप उनके कमेंट पढ़कर देख सकते हैं और उस कमेंट के हिसाब से ही आप अपने वीडियोस को बना सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड टॉपिक्स फाइंड करने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी और आपका जो चैनल है बहुत तेजी से ग्रो होगा, व्यूज अच्छे आएंगे, वॉच टाइम अच्छा होगा और आपका जो टारगेट होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम का वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों इसी चीज का जो इंतजार यूट्यूब क्रिएटर्स जो नए यूट्यूबर होते हैं वो करते हैं और आपको इस तरीके से अपने कैटेगरी से रिलेटेड टॉपिक फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो आपको तो यूट्यूब पर आए हुए काफी समय हो चुका है और आपको एडिटिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर आपको अकाउंट कैसे बनाया, उस अकाउंट को चलाना कैसे है, ये सब चीजें आपको पता होती है क्योंकि दोस्तों आपको YouTube पर आए हुए काफी समय हो चुका है और आप YouTube के जरिए ही काफी चीजों को जान चुके हैं। और आप जो दोस्तों जब आप YouTube पर आते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है सबकी समस्याओं को दूर करने की, तो उसी चीज के लिए आप सीखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपकी तरह सभी तो यूट्यूब क्रिएटर नहीं होते हैं, हर कोई YouTube क्रिएटर नहीं होता है, कुछ व्यूअर्स होते हैं जो आपके वीडियोस को देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उन व्यूअर्स की समस्याओं को दूर करना है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप अपने व्यूअर्स की अपने सब्सक्राइबर की समस्याओं को दूर कर सके। इससे दोस्तों क्या होगा, आपको टॉपिक्स की भी कमी नहीं रहेगी और आपके जो सब्सक्राइबर है वो आपके वीडियोज में परमानेंटली बने रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, चाहे वो आपकी टेक कैटेगरी हो, चाहे आपकी ब्लॉग कैटेगरी हो या आपका गेमिंग चैनल हो, आप अपने टेक अपनी कैटेगरी से ही रिलेटेड आप वीडियो बनाएं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस जो तरीके मैंने इस वीडियो में बताए हैं इन तरीकों पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड टॉपिक फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।